चुनाव आयुक्त की पूरी टीम बुधवार को आई थी चंडीगढ़। बुधवार व वीरवार को हरियाणा में 21 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की पूरी तैयारियों का जायजा लिया, राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की व उनके सुझाव व शिकायतें सुनी। प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों व जिलाधीशों व पड़ोसी प्रदेश पंजाब के अधिकारियों की बैठकें अलग अलग लेकर चर्चा की। वीरवार को दोपहर बाद चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि जाति धर्म व वोट मांगने पर यदि कोई शिकायत आई तो होगी कार्रवाई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अति संवेदनशील बूथों पर वेब रिकॉर्डिंग की जाएगी व वीवीपैड इस्तेमाल किए जाएंगे और वॉलंटरी कोड का सख्ती से पालन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 48 घंटे पहले हरियाणा में पूर्ण रूप से व पंजाब की सीमाओं पर दारू के ठेके बंद करने की सख्ती से पालना होगी। दो बार हमारे सीनियर डीसी जो हरियाणा के इंचार्ज है वो आ चुके हैं, एक बार लवासा जी स्वयं यहाँ आके रिव्यू कर चुके हैं और जो हमारा सिस्टम होता है एस्टेब्लिश्ड, हम आते ही पहले तो बातचीत करते हैं राजनीतिक दलों से, उसके बाद सीईओ और जो पुलिस नोडल ऑफिसर मिस्टर विर्क एडिशन दिए, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद कुछ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इनकम टैक्स इत्यादि और या कुछ ऐसे विभाग जिनके साथ इलेक्शन का काफ़ी कोऑर्डिनेशन होता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सीपीएफ, रेलवे इत्यादि सबके साथ बातचीत हुई, स्टेट बैंक के जो एसएलबीसी के कोऑर्डिनेटर हैं उन सबसे, और आज सुबह से बैठक चल रही थी विद डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज और एसएसपीज, पुलिस कमिश्नर्स, डिविजनल कमिश्नर्स, उसके बाद फिर बैठक थी विद चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और उनके जो सीनियर अधिकारी थे चाहे हुए, इन सारी बैठकों के बाद फिर फाइनली वी रिपोर्ट बैक टू द मीडिया। जो राजनीतिक दलों ने अपना मुद्दे उठाए, मोटे मोटे मुद्दे इस प्रकार से हैं कि चुनाव में पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की और विशेष रूप से कमजोर वर्गों द्वारा मतदान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे इलाकों में तैनाती की जाए। हम नंबर ऑफ कंपनीज का तो नहीं बता सकते, लेकिन इस बार हरियाणा को द कमीशन हैज प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज फॉर विधानसभा इलेक्शंस। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों ने इस पर इनफैक्ट कमीशन को धन्यवाद दिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जो उनकी रिक्वायरमेंट का असेसमेंट है उसके मुताबिक भी है ऑलरेडी प्रोवाइडेड। हाँ, इस बात पे ज़रूर जोर दिया गया और देते रहते हैं कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं उस पर विशेष तौर पर तैनाती का ध्यान रखा जाए। कुछ दलों ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने की मांग की, यह भी मांग की कि 48 आवर्स पहले ड्राई डे वगैरह का नॉट ओनली इन हरियाणा बट एक तो नेबरिंग स्टेट्स में भी हो जाए, खासकर पंजाब में तो अच्छा है। हरियाणा में तो ऑर्डर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, पंजाब के अधिकारियों ने हमारे सीईओ को आश्वस्त किया है कि वो भी हरियाणा की तरह एक दिन तो कम से कम ड्राई डे करेंगे, हो सकता है दो दिन ही करें, बट दैट स्टिल वी विल टॉक टू दैट। राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया कि आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि आप एग्जाम्पल्स इंस्टांसेस आपके नज़र में ऐसे आए हों तो बताएं, या हमारे मिस्टर सक्सेना को बताएं या सीईओ को बताएं, तो ये उनको आश्वासन दिया गया। उन्होंने मीटिंग में कोई स्पेसिफिक इंस्टांस नहीं बताया। ये भी कहा गया कि निर्माण कार्यों के धन पर धन जो है वो जारी रख रहे हैं, निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, तो उनको कमीशन के जो स्टैंडिंग गाइडलाइंस हैं उनके बारे में अवगत कराया गया कि जो वर्क्स
इन मोशन हों उनको कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर द स्टैंडिंग गाइडलाइंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द कमीशन, लेकिन कोई नए वर्क शुरू करने की बात हो तो उसका भी वो इंस्टांस होता है, उन्होंने एकाध जगह कुछ बताया उसकी चेकिंग करवा दें। पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए उन्होंने एक सहायता उनको दी जाए वोटिंग करने के लिए, तो वी आर ग्लैड टू रिपोर्ट टू यू दैट आई थिंक प्रोबेबली इन द अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन कनिष्क शर्मा के साथ पुनीत सैनी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।